उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने और बड़े ब्राह्मण चेहरे सत्यव्रत चतुर्वेदी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इन दिनों सत्यव्रत चतुर्वेदी अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वैसे आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति के लिहाज से सत्यव्रत को बाहर करना कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती हो सकता है। मैं अपने बेटे के और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहा हूं। उनको तो चाहिए कि मुझे पार्टी से बाहर निकालें, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे होंगे शायद। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी के इस बयान के दो दिन बाद कांग्रेस ने हिम्मत जुटाई और पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चुप्पी साधे हुए हैं। सत्यव्रत चतुर्वेदी तो AICC की मेंबर है, तो ये जो उनका एक्सपल्शन होता है वो केंद्र से होता है। चलो चलो चलो। लोकसभा और राज्यसभा से सांसद रहे सत्यव्रत चतुर्वेदी कांग्रेस के महासचिव भी रह चुके हैं, MP की अर्जुन सिंह सरकार में मंत्री भी रहे। कांग्रेस के इतने कद्दावर नेता के चुनाव से ऐन पहले निकाले जाने की वजह ये तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी से खड़े साइकिल से। MP के छतरपुर की राजनगर सीट पर सत्यव्रत अपने बेटे नितिन के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बेटे को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो सत्यव्रत ने अपनी पार्टी के सामने ही तलवार खींच दी। मेरा जन्म कांग्रेस में हुआ है और मैं मरूंगा भी एक कांग्रेसी ही, लेकिन अन्याय करना जितना बड़ा पाप है उतना ही बड़ा पाप है चुप होकर अन्याय सहना। लेकिन कांग्रेस ने सत्यव्रत के व्रत को तोड़ दिया। सत्यव्रत जिस राजनगर सीट से बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं वो 2 लाख वोटर वाला ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें करीब 40,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। यहां से कांग्रेस के नाती राजा 2 बार से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह ने कल ही ABP न्यूज के शिखर सम्मेलन में खुलासा किया था कि नाती राजा लोकसभा चुनाव लड़ने के वादे पर सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। हमारे से मिलने आए और कहा कि मैं सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का बेटा जो नितिन चतुर्वेदी है, उसको हम बंटी कहते हैं प्यार से, उसके लिए सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया जाए। मैं खुली बात कर रहा हूं क्योंकि खुला मंच है। मैंने स्वयं ने आगे जाकर सत्यव्रत जी की और राहुल गांधी जी की 1-to-1 मीटिंग कराई। राहुल गांधी जी ने 15 मिनट 1-to-1 सत्यव्रत जी को दिए, पूरा उनकी बात सुनी। उसके बाद सिटिंग MLA का टिकट नहीं कटा। लेकिन ना तो दिग्विजय का फॉर्मूला काम आया और ना ही राहुल का मान मनोबल। सत्यव्रत डटे रहे और पार्टी ने प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे को बाहर करके नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इसका असर अभी भले ही कम दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में कांग्रेस की सेहत को ज्यादा कमजोर कर सकता है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।